हेलो एवरीवन, ये जो हमारा चैप्टर है ये केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड है। और इस चैप्टर में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जो है केमिस्ट्री पहले तो होता क्या है, क्योंकि हमारा ये केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। इससे पहले हमारा एक चैप्टर जो है हो चुका है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पहले आप उस चैप्टर को देख लीजिए। वो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। वो चैप्टर आपको जो है हमारी स्टडी फॉर यू की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साइंस की 10th क्लास की में, तो वहाँ से जाकर आप सर्च कर लीजिए। आज का है चैप्टर सेकेंड। इस चैप्टर में हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। मेनली मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ केमिस्ट्री होता क्या है। जो हमारा केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री वर्ड या फिर केमिस्ट्री जो है हमारा आया कहाँ से, ये हमारा कीमिया और कैमिया भी लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ से आया है, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या? केमिकल, ठीक है, इसका मतलब होता है केमिकल। और जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो है एंटोनी लेवोजियर। ओके, जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो है एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे इसकी ब्रांचेज हैं, मतलब केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस कर देती हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो है होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो इसके ब्रांचेस होती हैं, पहली ब्रांच है हमारी, पहली ब्रांच कौन सी है जो केमिस्ट्री की, यहाँ पर मैंने 4-5 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया है। इन ब्रांचों को देखिए, पहली ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारा बायोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और प्लस में इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उसके बारे में भी हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन का कोई लेना देना नहीं होता है, और इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो मेनली ये है मेटल नॉन मेटल हो गए, या फिर जो प्रोडक्ट टेबल होती है आपने देखा होगा, तो ये हमारा कहाँ आ जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद है हमारा क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम मेनली मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो मेडिसिन से आपको लग रहा होगा मेडिसिन में मैंने क्या बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने कोई भी दवाई देखी होगी, कोई भी मेडिसिन देखी होगी, उसके लास्ट में ना कुछ लिखा होता है, ठीक है, केमिकल्स के नेम। तो वो जो नेम्स होते हैं या जिसके थ्रू वो दवाई बनाई जाती है, उन सब की स्टडी वगैरह या फिर बनाना, वो सारा सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये किस तरीके से वर्क करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारा चैप्टर क्या है। यहाँ से जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, साथ में ये चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वैसे तो आप ये 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये आपने जो 6ठी क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है, ये थोड़ा बेसिक लेवल का होता है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस ऑल ओवर सारी चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ। आपने 6ठी क्लास में पढ़ा हुआ था कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं, दैट मीन्स टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और अदर डेफिनेशन बताऊँगी कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन दैट मीन्स H+ आयन, ठीक है, H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं। वो भी कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम इसे सॉलेबल कर देते हैं वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है पानी वाला, ओके, पानी वाला सॉल्यूशन जहाँ पर पानी लार्ज अमाउंट में हो,
ठीक है, उसको कहते हैं एक्वस, एक्वस का मतलब ही होता है पानी। ओके डन। अच्छा, एसिड प्रोड्यूस एच प्लस आयन विथ सॉलेबल इन वाटर, दैट मीन्स वाटर के साथ या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? एच प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। एच प्लस आयन का मतलब है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में सौर होते हैं, ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे एच प्लस आयन किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जरा मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ आपके लिए कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा एसिड, प्लस में वाटर जो कि मैंने एक्वा सॉल्यूशन बोला था वाटर होता है। हम जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे, दैट मीन्स मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? एच प्लस अलग हो जाएगा और सी एल माइनस अलग हो जाएगा। दैट मीन्स जो ये मैंने सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या मिला? एच प्लस आयन, जो हमारे एसिड्स होते हैं वाटर के साथ मिलकर क्या देते हैं? एच प्लस आयन देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद है बेस क्या होता है। एसिड तो समझ लिया, आप समझते हैं बेस क्या होता है। बेस आपका मेनली ये होता है कि जो एक्वस या फिर वाटर के साथ मिलकर, एक्वस या फिर वाटर के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करे? ओ एच माइनस आयन। ओके, तो ये क्या करता है? एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करता है? एच प्लस आयन। और एच प्लस आयन को कहते हैं हम क्या? हाइड्रोक्सियल आयन। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा एक क्या? बेस। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है। जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दैट मीन्स एक्वा सॉल्यूशन के साथ जब आप इसे रिएक्ट करवाते हैं, तो Na+ अलग हो जाता है, OH- अलग हो जाता है। अब यहाँ पर OH- मिला आपको, OH- कौन है यहाँ पर? हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सियल ग्रुप, ये हमारा है। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक जो हमने इसमें क्या पढ़ा? एसिड्स क्या होते हैं? जो कि वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलकर एच प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और बेस कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलकर कौन से आयन देते हैं? OH- हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड आपके टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस आपके टेस्ट में बीटर इन टेस्ट होते हैं। अब बीटर का मतलब क्या हो गया? बीटर मतलब होता है टेस्ट में ना तो खट्टे होते हैं ना ही मीठे होते हैं, ये टेस्ट में कुछ कुछ कड़वे होते हैं टेस्ट करने में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है कि पीएच स्केल क्या होता है। अच्छा, पीएच स्केल, पीएच जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पीएच होता क्या है, तो इस चीज़ को ज़रा मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके सामने कि ये पीएच स्केल होता क्या है। ओके, अच्छा, सबसे पहले याद रखिए सोरेनसन नाम के हमारे साइंटिस्ट थे। कौन थे? सोरेनसन जी हमारे एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1913 में पीएच स्केल को क्या करा था? डिस्कवर करा था। ओके, इन्होंने क्या करा था? 1913 में पीएच स्केल को डिस्कवर करा था। और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो ये हमारा पीएच स्केल होता है, ठीक है, पीएच स्केल जो हमारा होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक नंबरिंग दी हुई होती हैं। 0 से लेके 14 तक जो है आपको नंबरिंग दी हुई होती हैं, और बीच में आपका कौन होता है? 7। अच्छा, अब इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब ये स्केल लिया क्यों है? ये इसमें इस स्केल पे कुछ नंबरिंग होते हैं, 1 2, जैसे 0 से आए तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 1। यहाँ क्या होगा? 2। यहाँ क्या होगा? 3। यहाँ क्या होगा? 4। ऐसे ही करते 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 आप कहाँ आ जाएंगे? 7 पे। और इसके बाद 7 से आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यही चीज़ें होंगी। अच्छा, जैसे ही आप ग्राफ में या फिर इस स्केल से आपके वैल्यू 7 से नीचे आती है, ओके, आपकी वैल्यू क्या आती है? 7 से नीचे आती है। 7 से नीचे जैसे ही आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, 7 से नीचे आपकी वैल्यू जाती है, दैट मीन्स वो क्या है? एक एसिड है। अगर आपकी वैल्यू 7 से ऊपर जाती है और 14 से कम आती है, ये चीज़ याद रखनी है, 7 से ग्रेटर हो और 14 से लेस हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बेस। ओके, बेसिक सॉल्यूशन होगा। देन
और अगर वैल्यू, मैंने अभी एक चीज़ बोली थी, अगर 0 से ज़्यादा और 7 से कम है, 7 नहीं बोला मैंने यहाँ पर, ठीक है, 0 से ज़्यादा है और 7 से कम है, तो क्या होगा? एसिड होगा, एसिटिक होगा आपका सॉल्यूशन। अगर 7 से ग्रेटर है और 14 से लेस है तो क्या होगा? बेसिक होगा। अब बात करते हैं अगर आपकी वैल्यू कैसी हो, 7 हो, ओके। अगर वैल्यू 7 हो तो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, ओके। ना तो वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, वो क्या होगा? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो क्या होता है? वो मेनली बस यहाँ पर एक ही चीज़ है, वो है डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर होता है बिल्कुल प्योर जल, बिल्कुल प्योर वाटर जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, जो बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, ओके। ये चीज़ें मे बी आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारे सॉर्सन्स नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1913 में पीएच स्केल को डिस्कवर करा था, और पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और पीएच स्केल में कुछ वैल्यूज थी 0 से 14 तक। 0 से ज़्यादा और 7 से कम होगी तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 7 से ज़्यादा और 14 से कम होंगी तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और अगर वो होगा 7, ओके, अगर वो 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स ना तो वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, ओके। और जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका एग्जांपल है डिस्टिल वाटर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेचुरल सॉल्यूशन बताओ, तो वहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन सॉरी, तो वो है मेनली बस डिस्टिल वाटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या हैं। चलिए बात करते हैं। वीक एसिड आपके ऐसे एसिड होते हैं, क्या होते हैं? वीक एसिड आपके ऐसे एसिड होते हैं, वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनकी वैल्यू 3 से 6.9 के बीच में लाई करें, ओके। 3 से 6.9 के बीच आपके वैल्यू लाई करे वो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। जैसे कि, और वीक एसिड वो ज़्यादा हार्म नहीं होंगे, आपके हार्मफुल नहीं होंगे। जैसे कि पहला ऑक्सलिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड आपका कहाँ होता है? ये आपके टमाटो में प्रेजेंट होता है, ओके। लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि आपके कर्ड में या फिर खट्टे दही में, शॉर्ट मिल्क जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एसिड, ये तीनों आपके ऐसे एसिड हैं जो कि वीक एसिड होते हैं। इनकी वैल्यू, पीएच वैल्यू होती है 3 to 6.9 के बीच में ये लाई करती है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, और साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनकी वैल्यू होती है 0 to 3, ओके। 0 से 3 के बीच इनकी वैल्यूज़ लाई करती हैं, और ये इनकी पीएच स्केल की वैल्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ। कहीं आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से बता दिया, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये है पीएच स्केल के वैल्यूज़, ओके। इसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। H2SO4 होता है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों आपके मोस्ट हार्मफुल एसिड्स हैं, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जो कि वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ओके। वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके डेफिनेशन क्या होगी। इसके डेफिनेशन ये होगी कि जो हमारे हमारे वीक एसिड होते हैं, मैंने आपको एक छोटी सी थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन दी थी, शायद आपको याद हो, वो डेफिनेशन क्या थी, कोई मुझे बताएगा? वो डेफिनेशन ये थी कि हमारे एसिड्स वो होते हैं जो कि एच प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेनी है, ओके। तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? एसिड की। अब देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है आपकी वीक एसिड की। वीक एसिड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ एच प्लस आयन प्रोड्यूस इन एक्वा सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो एच प्लस आयन कम अमाउंट में प्रोड्यूस करें, ओके, कम अमाउंट में एच प्लस आयन प्रोड्यूस करें, उसे हम कहेंगे वीक एसिड। ये सिंबल दिख रहा है? शायद ध्यान ना दिया हो। ये सिंबल मतलब एच प्लस आयन कम है ना,
एच प्लस आयन कैसे हैं? कम। एच प्लस आयन कम है तो वीक एसिड होगा, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मीन्स लार्ज अमाउंट में आपको क्या प्रोड्यूस करेगा एच प्लस आयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर सिंबल दिया है। वीक मतलब कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, स्ट्रॉन्ग मतलब हाई, दैट मीन्स ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करती हूँ कितने टाइप के हमारे एसिड्स जो हैं होते हैं। ठीक है, आपके जो एसिड्स होते हैं टाइप कितने टाइप के होते हैं, जो आपके एसिड हैं इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो भी केस पर इनके अकरेंस के बेसिस पे। अकरेंस का मतलब होता है मिलना। ओके, अकरेंस का मतलब क्या होता है? मिलना। इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं? कोई डाउट है? नहीं है डाउट। चलिए, जो हमारे ये टू बेसिस पर हमने इसको डिस्कवर किया है, या फिर अकरेंस के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट है नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल एसिड जो हमें नेचर से मिलते हैं। उसके बाद जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि हमें मिनरल्स से मिलते हैं। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बताती हूँ कि हमारे नेचुरल एसिड हैं वो होते क्या हैं और इनके एग्जांपल क्या हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे ऐसे एसिड्स विच आर ऑप्टेंड मतलब होता है प्रेजेंट होना या फिर होना, ओके, या फिर मिलना। एसिड्स विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऐसे एसिड्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड कहते हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं तो भी आप ये लिखेंगे, अगर बोला जाए नेचुरल एसिड क्या होते हैं तो भी आपको यही चीज़ें लिखनी है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि होती क्या है। मिथेनोइक एसिड ये हमारा जो हमारी रेड वाली आंट होती है, मतलब रेड कलर की जो चींटी होती है उसके डंक, या फिर आंट स्टिंग, डंक को कहते हैं स्टिंग। तो जो चींटी का डंक होता है ना उसके अंदर हमारा क्या होता है? मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है HCOH। ओके, HCOOH, ये इसका फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर? प्रेजेंट होता है ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इतनी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटो में प्रेजेंट होता है, इसका फॉर्मूला है C2H2O4। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें डिस्कस करी, और इसके बाद जरा पहले एक और बता देती हूँ ऑर्गेनिक, तब बताती हूँ कितनी चीज़ें डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक चीज़ देखनी थी कि मिनरल्स एसिड, हाँ ये रहा, कि मिनरल्स एसिड वाले कौन से एसिड होते हैं। ठीक है ना, ये बता देती हूँ मैं। तो आपके जो मिनरल्स एसिड होते हैं ऐसे एसिड होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें मिनरल्स से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एसिड होते हैं, मिनरल्स एसिड होते हैं। अब इसके जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या हैं? ऐसे एसिड्स जो कि या तो वो मेन मेड हों, दैट मीन्स इंसानों द्वारा बनाए गए हों, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, पहले वाले ऑर्गेनिक एसिड थे, ये क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। इनको मेन मेड एसिड्स भी कहते हैं, दैट मीन्स इंसानों द्वारा बनाए गए। और इंसान इसको कहाँ बनाएंगे? इंसान इसको बनाते हैं लैब्स में, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं केमिकल से रिएक्शंस करते हैं उनके थ्रू इसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, इनको हम सिंथेटिक एसिड्स भी कह देते हैं कई बार। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा लैब में फॉर्म होता है, ठीक है, ये हमारा लैब में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4, ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3।
फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए मैं ना एक बार आपको इतनी चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। फर्स्टली मैंने बात करी थी, क्या बात करी थी सबसे पहले, कि एसिड होते क्या हैं। एसिड क्या होते हैं? जो लार्ज अमाउंट में H+ ion प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ओके। और टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने क्या बात करी, बेस क्या होते हैं। बेस क्या होते हैं? जो OH- ion प्रोड्यूस करें, दैट मीन्स हाइड्रोक्सियल आयन प्रोड्यूस करें, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये बेटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड बात मैंने आपकी क्या करी, कि जो हमारे pH स्केल क्या होता है। तो pH स्केल आपको पता चल गया क्या होता है, किस चीज़ के लिए काम आता है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू 7 से कम है, किससे कम है? 7 से कम है, तो क्या होगा? वो 7 से 0 के बीच में लाई कर रही है, तो क्या होगा? वो होगा एक एसिड। क्या होगा? एक एसिड होगा। अगर उसकी वैल्यू 7 से ग्रेटर है और 14 से लेस है, तो क्या है? वो है एक बेस। अगर उसकी वैल्यू एक्यूरेट 7 है, तो क्या है? वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? जो कि ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। इसका एग्जांपल है हमारा क्या? डिस्टिल्ड वाटर, ओके। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मैंने आपको बात करी थी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। फोर्थ नंबर पे था ये हमारा, ठीक है। तो जो ये हमारे एसिड्स होते हैं, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? पहला था नेचुरल एसिड, दूसरा था इसको जो हमने डिवाइड किया था वो इसके अक्रेंस के बेसिस पे डिवाइड किया था। पहला है नेचुरल एसिड, दूसरा है मिनरल्स एसिड, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कहाँ? इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर होते क्या हैं? इंडिकेटर आपके होते हैं, इंडिकेटर आपके होते हैं, क्या होते हैं? सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर व्हेन मिक्स विद एसिड और बेस आर नोन एज इंडिकेटर। अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कैसे होते हैं सब्सटेंस? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसके साथ मिलके, एसिड और बेस के साथ मिलकर क्या करते हैं? अपना कलर चेंज कर देते हैं। या तो वो एसिड होगा या तो वो बेस होगा, उन दोनों में से किसी भी एक के साथ मिलके वो क्या करेंगे? अपने कलर को चेंज करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसके बाद ही मैं एक टेबल समझाती हूँ आपको, है क्या? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपके ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि अपनी स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर वो होते थे जो कि सिर्फ अपना क्या करते थे, कलर चेंज करते थे एसिड और बेस के साथ मिलके। और ये है क्या? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो अपनी क्या करते हैं, स्मेल को चेंज करते हैं, किसके साथ मिक्स होकर? एसिड और बेस के साथ मिक्स होके, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं? वेनिला और ऑनियन, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब मैं जिस टेबल की बात कर रही थी मैं वो टेबल आपको समझा देती हूँ कि वो टेबल होती क्या है आपकी। चलिए यहाँ पर है हमारी टेबल। इस टेबल में क्या है ना, कुछ तो होगा इम्पोर्टेंट इस टेबल के अंदर। फर्स्ट है इंडिकेटर, कि कौन से हमारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। उसके बाद है ओरिजिनल कलर इनका क्या है, जो हमारे इंडिकेटर हैं इनका एक्चुअल में कलर क्या है। उसके बाद है हमारे एसिड के साथ मिलेंगे तो कैसा कलर देंगे, बेस के साथ मिलेंगे तो कैसा कलर देंगे, ठीक है। फर्स्ट है रेड लिटमस, ये हमारा लिटमस की बात मैं ना आपको आगे बताऊंगी, पहले इतना ध्यान रख लो कि ये रेड लिटमस कुछ होता है, ब्लू लिटमस कुछ होता है, ओके। रेड कलर के लिटमस पेपर को, इसका जो कलर होता है ना कैसा होता है? रेड होता है। रेड लिटमस का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और ये एसिड के साथ मिलकर कोई कलर चेंज नहीं करते हैं, बेस के साथ मिलते हैं तो कैसा कलर कर देते हैं? ब्लू, ठीक है। और जो आपके ब्लू लिटमस होते हैं इनका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। और ये एसिड के साथ मिलते हैं तो कैसा कलर कर देते हैं? रेड। और बेस में नो चेंज, ओके, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमारा टर्मरिक, टर्मरिक होता है हमारा हल्दी, जिसका एक्चुअल कलर होता है क्या? येल्लो, ये आपको पता है।
और जो ये एसिड के साथ मिलकर कोई कलर चेंज नहीं करता है। पर वही बात करें बेस, दैट मीन्स साबुन, साबुन देखा है जब हमारे कपड़े पे कई बार हल्दी गिर जाती है तो जब हम उसे वॉश करते हैं, धोते हैं साबुन के साथ, तो क्या हो जाता है, वो हल्का रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर, ना तो वो रेड होता है ना ही वो ब्राउन होता है, वो कुछ समथिंग रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, इसके बाद है रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है उसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, और ये एसिड के साथ मिलकर तो आपका रेडिश, दैट मीन्स रेड कलर देता है, और बेस के साथ मिलकर कैसा कलर देता है, ग्रीनियश येल्लो, दैट मीन्स थोड़ा ग्रीन और येल्लो सा कलर वो देता है। ठीक है, एक है आपका फिनोल पैथेलेन। फिनोल पैथेलेन आपका कलरलेस होता है, और जब आप इसको एसिड में मिलाते हैं तो वो कैसा देता है कलर, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। और जैसे ही आप इसको बेस में डालते हैं तो कैसा कलर देता है, पिंक। ठीक है, नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर का होता है, ऑरेंज ही, आपको यहीं से याद रख लेना है, नाम में ही इसका कलर छुपा हुआ है, ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का एक्चुअल कलर होता है ऑरेंज, और इसका एसिड के साथ मिलता है तो कैसा कलर देता है, रेड। बेस के साथ मिलता है तो कैसा कलर देता है, येल्लो। और ये जो लास्ट के दो है ना, ये आपके इंडिकेटर नहीं है, ये आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं, दैट मीन्स जो कि स्मेल चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो ऑनियन होता है, ऑनियन जूस, उसकी जो ओरिजिनल स्मेल होती है ना, वो कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, एसिड के साथ मिलकर कोई स्मेल नहीं देता है, नो चेंज, जैसी पहले है वैसी रहेगी। पर जैसे ही हम इसको बेस के साथ मिक्स कर देंगे ना, तो क्या होगा, उसकी स्मेल वैनिश, दैट मीन्स गायब हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत होगी या फिर जो भी है, बिल्कुल ही आएगी ही नहीं उसकी स्मेल कुछ भी। वैसे ही वनीला, वनीला की स्मेल नहीं होती है ओरिजिनल में, और एसिड के साथ मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, पर बेस के साथ कैसा हो जाएगा, स्मेल वैनिश्ड हो जाएगी। ओके, हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, ये चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। इसके बाद है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। इसके बाद आगे की जो लिटमस पेपर के बारे में है, और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर आप उसको प्रेस कर देते हैं तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले मिलेगा, और आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।